कराची एक कदीम बस्ती है। तकसीम से कबल इस इलाके में हिंदू बरादरी का मतवस्त और नीम मतवस्त तबका आबाद था। ये चिकनी मट्टी, पत्थर और सीमट के ये सारे अद्वार भीम पुराने देखे हैं, जिसकी बिना पर इलाके की कदामत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। भीमपुरा हिंदुओं के देवता भीम से मौसूम है। भीम हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक चशम खशमगी के हामिल भगवान हैं। गुंजान हिंदू आबादी और मजहब की जानिब रुझान के सबब यहाँ एक बड़े मंदिर के अलावा चार छोटे मंदिर हैं। अकाली भंगो मंदिर, शिव मंदिर, देवी मंदिर, नागनाथ मंदिर और शतीला माला मंदिर आज भी कायम और आबाद हैं। भीमपुरा में आबाद मतवस्त तबके की माली अमानत के लिए सेठों ने यहाँ ट्रस्ट कायम किए थे। ट्रस्ट की एक ऐसी ही बिल्डिंग वाडो अखाड़ो ट्रस्ट बिल्डिंग रिहाइश के साथ आज भी मौजूद है, जिसके किराए से कभी ट्रस्ट के उमूर चलाए जाते थे। तकसीम के बाद जिस तरह से शहर के दीगर इलाकों की सूरत हाल बदली, इसी तरह भीमपुरा की सूरत हाल भी बदल गई। हिंदू बरादरी से आबाद ये इलाका कच्छ से हिजरत करके आए मुसलमानों से आबाद हो गया। यहाँ आकर कच्छी बरादरी के वो लोग रहे जो शोबे ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक थे, और कमोबेश आज तक यही सूरत हाल है। यहाँ रहने वाले ट्रक मालकान थे। ट्रक के साथ साथ अब क्रेन लिफ्टर भी इनके फ्लैट में शामिल हैं। इनका काम मकामी नौयत का है और ज्यादातर बंदरगाह के काम से मुंसलिक हैं। आप यहाँ पर मेरी वर्षी है कि भाई पैदाइश है, कितनी आबादी है? होगी तकरीबन आई थिंक 3-4 लाख होगी कम से कम पूरे एरिया में। पूरा एरिया तकरीबन कितना बड़ा है ये? मेरे ख्याल में ये होगा एटलीस्ट 5-6 एकड़ ज़्यादा होगा, बल्कि 5-6 एकड़ से ज़्यादा होगा, या बल्कि ज़्यादा होगा 12 एकड़ ज़्यादा होगा पूरा इलाके मिला के। अच्छा, तो इस इलाके में सबसे मशहूर चीज़ कौन सी है? हमारे यहाँ हमारे इलाके में शीशमहल मशहूर है। शीशमहल होटल मशहूर है। शीशमहल होटल, शीशमहल होटल ये किधर है? ये गली भरने के ना सीधा पे कहीं पर बिल्डिंग खड़ी हो गई बनी हुई है। यहाँ होटल था, यहाँ होटल था, अब नाम है लेकिन अब होटल नहीं, बिल्डिंग बन गई। कब से था वो जमाने से? अभी जाकर तकरीबन 10-12 साल पहले जो है ना वो बिल्डिंग बनी है मदीना होटल के नाम से, अब मदीना अल मदीना बेकरी के नाम से। अच्छा, अल मदीना बेकरी के नाम से पहले होटल, पहले होटल रेस्टोरेंट बहुत पहले। अच्छा, शीश महल होटल था, ठीक है। ये जमाने से हमारे पहले सही है। सलाम अलैकुम। कब से इलाके में आप? हम तो मजदूरी करते हैं भाई, इधर रहते नहीं, मजदूरी करते। अच्छा, मजदूरी करते हो? काफी इधर रहते हुए काफी अर्सा हो गया। तकरीबन कितना अर्सा हो गया? ये तो 35 साल समझ लो, बन के टट गया। बन के टट गया, यानी कि पहले की सी है? ये पहले होटल सी। होटल सी, अबीना होटल है ना। अच्छा, ये बनया जो तो साढ़े बड़े बड़े रहाए थे। अच्छा, 90-100 साल तो बाद ये डेट पे छोड़ता। अल्लाह
35 साल हो गए ने। सलाम अलैकुम। अच्छा ये नाई की दुकान पर बैठे हैं, खैरियत? बस ऐसे ही बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अच्छा यही रिपोर्टर भाई यहीं के रिहायशी हैं? इनसे पूछे कहाँ की है। चक्कीवाड़ा में ये मस्जिद है, मस्जिद के लड़ाई चल रहा, फसल मकान नहीं दिए, बेगुना। अच्छा बेगुना लड़ाई चल रहा। अच्छा मैं भी कच्ची लोहा बैठा, रिपोर्टर भाई है, मैं भी कच्ची लोहा बैठा, मैं भी गरीब ठीक मांगता। सही है, तो चाकी वाला जब तक माफी नहीं ना मैं जमा खाना उधर रहता। अच्छा मेरे को खानदान नहीं है, बेफायदा लड़ाई झगड़ा गाली अल्लाह का कसम। मेरे भी पप्पी टेलर का इमरान भट्टी नाम है। अच्छा अभी एसटीएम है। अच्छा इस दौर में कोई किसी का नहीं, भाई हो बच्चों के जीते में उठा। सही है। भीमपुरा में वही कदीम जमाने की मिठाई की दुकान है, आला दर्जे की ताज़ा देसी मिठाइयों का मरकज़ है। गुजरात और कच्छ की मिठाइयाँ बनाते थे, इसीलिए मकबूल है। ये दुकान अब्दुल्ला भाई की दुकान है और यूँ ये मुनफरद भी है कि इतना ही माल बनाते हैं जो दिन ढलने से कबल फरोख्त हो जाए, इसीलिए इनके पास अमूमन ताज़ा मिठाइयाँ ही दस्तियाब रहती हैं। हमारे पास सोता है, बदाम पाक, कोबरा पाक, कलाकंद, पेड़ा, गुलाब जामुन, तकरीबन सारे देसी आइटम। तकरीबन कब से बनी हुई है दुकान? ये 65 साल हो गए। 65 साल हो गए तो सबसे ज़्यादा फेमस है मलाई खाना। ये मुझे पता है, सबसे मशहूर भीमपुरा की सबसे मशहूर दुकान जो है ना यही है, अब्दुल्ला भाई की दुकान ना। और ये कब से बनी हुई थी? 65 साल हो गए। और मिठाइयों का जायका अभी तक वही है, देसी घी से बनती है? देसी घी से नहीं बनती है। अच्छा क्योंकि देसी घी अभी इतना महंगा, हाँ महंगा हो गया देसी घी, कोई ग्राहक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये अब्दुल्ला भाई जो थे वो क्या थे, कौन थे? वालिद साहब। आपके वालिद साहब थे, उनके इंतकाल को भी 31 साल हो गए। ओए होए होए, यानी कि यहाँ मिठाई की, वैसे तो सारी मिठाइयाँ अच्छी हैं ठीक है, लेकिन कोई ऐसी खास मिठाई जो सबसे ज़्यादा लोग लेके जाते हों? मलाई खाजा, शादी ब्याह सब में मलाई खाजा। हाँ दिखाओ, ये आप खाएं। सबसे मशहूर मिठाई मलाई खाजा अब्दुल्ला भाई की दुकान, तो ये बोल रहे खाए ज़रा। भीमपुरा में जब आएंगे तो किसी से भी पूछेंगे कि सबसे मशहूर मिठाई की दुकान, सबसे पुरानी और मज़ेदार मिठाई की दुकान कहां पर है। हर शख्स आपको बताएगा कि अब्दुल्ला भाई की दुकान, उसी दुकान पर मौजूद। ये जो अब्दुल्ला भाई थे, कितना अरसा यहाँ पर यानी कि थे, कितने अरसे से थे? 35 साल उन्होंने काम किया साथ में। हाँ मेरे वालिद साहब थे, 40 साल से मैं। आप यहीं पे पैदा हुए थे? जी। अच्छा यहीं भीमपुरा में पैदा हुआ है, यहीं कौन एक स्कूल में कौन से पढ़े थे आप स्कूल? जी हमें स्कूल अब तो ख़त्म हो गया। हाँ सही है, वरना तो ये इतना था अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के पढ़े हुए भी बच्चे आज टॉप क्लास के पहुँचे हुए। कोई यहाँ का भीमपुरा का पढ़ा हुआ बच्चा, कोई मशहूर कोई आदमी हो बताएं? वो तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अब सब निकल चुके हैं यहाँ पर। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी कोई एक नाम जो मशहूर हो इस भीमपुरा के नाम के साथ। भीमपुरा पे मतलब मेन चीज़ ये पीपल्स पार्टी का दफ्तर है। हाँ ये वो तो देख लिया मैंने पुराना। हाँ जुबेर खत्री और एक शाहिद खत्री थे। अच्छा जो यहाँ उन्होंने टॉप किया था, जुबेर तो वो गुलशन में रहते हैं। अच्छा अच्छा सही है, कलाकार आपको खुद आइडिया हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुंह में गई है कलाकंद और क्या जायका है यार।
कराची में बहुत सी तब्दीलियां आ गई हैं। लोग क्या से क्या हो गए हैं। रुपए पैसे की रेल पेल हो गई है, मगर तबकाती फर्क बरकरार है। गो किसी हद तक इसकी जहत बदल गई, मगर गरीब गरीब ही रहा और गरीब तर होता चला गया। कराची में कभी हिंदू चमार मोची के पेशे से मुंसलिक थे, इसलिए कराची में मैगवार का नाम पाती ये कौम मुर्दा जानवर की खाल उतारने की महारत के सबब इस काम से मुंसलिक थी। आज भी पुराने कराची में कहीं कहीं ये चुप्त साज नजर आते हैं, मगर मेहनतकश पठानों ने इस काम की हकारत को खातिर में ना लाकर कस्बे हलाल के नजरिए के तहत आज से 70 बरस पेशतर इलाकाए गैर सरहदी कबाइल से हिजरत करके कराची में आकर बुनियादी तौर पर इसी पेशा को अपनाया तो उनकी पहचान बन गया। अब इस काम से सरहदी कबाइल से आए ये पठान ही मुंसलिक हैं। यहाँ रहायश पजीर कच्ची बरादरी के लोग ट्रांसपोर्ट लाइन से ज़रूर वाबस्ता हैं, मगर जो नीचे दुकानें हैं वो चैन कुप्पी का काम करते हैं। आजकल तो हाइड्रोलिक सिस्टम। यहाँ के रहायश पजीर कच्ची बरादरी के लोग ट्रांसपोर्ट लाइन से ज़रूर वाबस्ता हैं, मगर नीचे जो दुकानें हैं चैन कुप्पी का काम करते हैं। आजकल तो हाइड्रोलिक सिस्टम से भारी सामान की बुर्दबारी बड़ी आसान हो गई है, मगर जब तक हाइड्रोलिक सिस्टम ना था तो चैन कुप्पी का ही दौर था। लोहे के एक पहिए पर लगी जंजीर होती जिसे मुस्तकिल खींचना पड़ता, जो एक पहिए को घुमाती जिससे मुंसलिक दूसरा पहिए में लगी जंजीर जो भारी माल के साथ बंधी होती उल्टी सिमत चलना शुरू कर देती और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू कर देती। इसका अमल बड़ा सबर आजमा होता। सुबह जाते हुए किसी सामान को चैन कुप्पी की मार्फत ऊपर उठाने का अमल देखते और शाम ढले जब वापस लौटते तो अभी काम बाकी होता, मगर सबर आजमा मराहिल तय करते हुए तकमील को पहुंच ही जाता। ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक लोग अच्छा कमाते हैं, मगर दिन भर की मेहनत के बाद अच्छा भी खाते हैं, इसीलिए यहाँ भी अच्छे अच्छे सेकंड क्लास होटल थे जो काम से वापस लौटते लोगों से शाम को आबाद होना शुरू हो जाते तो रात गए तक आबाद रहते हैं।